से ड्रिप आउट करना है। आपने ना अपने बाल चार सेक्शन में डिवाइड कर देने हैं। बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और शाइनी शाइनी से हो गए हैं, एक लचक लचक लाइक सिल्की सिल्की सा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियां दूर करे और मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम आमीन। चलें तो अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ब्रेकफास्ट का टाइम, यानी कि मॉर्निंग है, और साथ ही साथ जो है ना मैं आपके लिए एक छोटी सी हेयर रेमेडी तैयार कर रही हूँ जो कि बहुत कॉमन होती है। और आपको जो है ना हेयर केयर के बारे में वीडियोज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा कि अगर डिमांड है तो बना लेते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये मैं बचपन से यूज़ करती हूँ। चलें तो अभी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आपने एक अंडा लेना है और फिर 2 से 3 चम्मच आपने योगर्ट के लेने हैं। अगर आपके बालों में ऑलरेडी शाइन है ना तो फिर आपने एक वाइट नहीं ऐड करना, फिर आपने 2 योग ऐड करने हैं। वो आपके बालों को सॉफ्टनेस देगा हद से ज़्यादा। ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो कि आप घर पर कर सकते हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल इसको मिक्स करना है, और फिर जो है ना अगर एलोवेरा जेल अवेलेबल है तो ये मैं एडिशनल ऐड कर रही हूँ। ये भी काफ़ी फ़ायदा देती है हेयर केयर में, तो आप ऐड कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। तो जो मैंने आपको हेयर ऑयल बनाना सिखाया था ना, वो भी आप जो है पहले लगा के और फिर ये मास्क अप्लाई करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। या अगर वो हेयर ऑयल नहीं बनाना चाहते तो कोई भी हेयर ऑयल अपने बालों पे लगा के ये लगा लें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखे साथ ही साथ मैं कॉफ़ी भी बना रही हूँ। मास्क मेरा तैयार हो गया है। बस मेरा ये प्लान है कि ब्रेकफास्ट भी ऊपर लेके जाऊँगी, साथ में मास्क भी ऊपर लेके जाऊँगी, तो मास्क को भी थोड़ा सा मिक्स होने में आपस में टाइम लगेगा। तब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर जो है ना मास्क अप्लाई करूंगी आप लोगों के साथ, और आपको टेक्निक्स भी बताऊंगी कि किस तरह अप्लाई करना है ताकि आपके बालों को ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा जी, तो देखें, रेगुलरली मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं मुझे स्किन में भी, नो डाउट। और यहाँ पर बस मेरी ट्रे तैयार है, चलें तो ऊपर चलते हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। अच्छा, तो रिलैक्स करते करते शाम हो गई है ब्रेकफास्ट के बाद। ओके गाइस, सबसे पहले मैं ये कैस्टर ऑयल यूज करूंगी अपनी हेयर लाइन पे, अपनी ब्लशेस पे, बिफोर शावर और बिफोर अप्लाइंग द हेयर मास्क। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजी एप्लीकेशन हो जाती है सीरम से या फिर स्ट्रिपर से। आपने इस तरह से अपने बालों में देख सकते हैं आप, इस तरह से अपने बालों में ऐसे ड्रिप आउट करना है, और बहुत ही ईजी तरह से विदाउट मैस आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। ये लाइन बहुत नाजुक चीज़ होती है, इससे पहले कि वो हमारी वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए या पीछे चली जाए, तो हमें ये कैस्टर ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एप्लीकेशन तो इतनी इजी है, तो आप कोई मैस या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको लगे यार मैं क्यों करूँ, अभी टाइम नहीं है, ये वो, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा अप्लाई किया और ये बिल्कुल ही ठीक हो गया। ठीक है, यू कैन सी अब ये डन हो गया। चलें तो अभी जो है हम मास्क अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट करके ना मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी और ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी, अपनी रील अपलोड कर रही थी, तो अभी मुझे याद आया ये कि ट्रे में पड़ा हुआ था, मुझे मास्क भी लगाना है। तो ये मास्क जो है ना मैं हमेशा बचपन से लगाती आती हूँ जब भी मुझे एक्स्ट्रा सीवियर हेयर फॉल होता है। और ये जो है ना आप पूछते रहते हैं क्या लगाती हो बालों को, क्या लगाती है, तो दिस इज़ अ थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अप्लाई करना, आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपने ना अपने बाल 4 सेक्शन में डिवाइड कर देने हैं, जैसे कि इस तरह, ये 2 आगे 2 पीछे, ये आपके 4 सेक्शन में डिवाइड हो गए, और सेक्शन वाइज आपने अप्लाई करना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये आपने लिया एंड आपने जो है ना इस तरह से अपने रूट्स पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन द रूट्स, सिर्फ रूट्स पे अप्लाई करना है ताकि आपकी जो ये ज़मीन है ना बालों की वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसमें एग है, इसमें दही है जो कि आपके बालों को बहुत फ़ायदा देता है। एक प्रोटीन ट्रीटमेंट जो हम सलून जाके करवाते हैं ना, वो इसका ड्यूप है। हालांकि वो ड्यूप है इसका, लेकिन अगर आप थोड़े फैंसी तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट कराना चाहते तो आप पार्लर्स में जाएं, वो होममेड तो यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको ऑर्गेनिक चाहिए, घर पर ही करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से देखें अप्लाई हो रहा है, यू कैन सी।
और ये सेक्शन हो गया, तो अभी हम इस सेक्शन में अप्लाई करेंगे रूट्स पे। और इसके बाद ना इसको आपने एक घंटा तक, एक दो घंटे रख दें अपने बालों में, फिर वॉश कर लें। जितनी देर भी रखें, आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा जो है ना वो आपकी रूट्स में जाएगा, तो आपकी जो बालों की ज़मीन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और अभी से मुझे अच्छी होना स्टार्ट। जो भी आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है, वो इससे लाजमी चला जाएगा। और आपने फिर जो है ना बालों में शाइन देखनी है, आपने बालों में सॉफ्टनेस चेक करनी है, इस मास्क के बाद बहुत आएगी। आई एम श्योर ये मास्क इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि आप सबको भी आप सबको भी पता होगा कि ये मास्क कैसे होता है, क्या या लगाते हैं। लेकिन आजकल वो है ना, हम बहुत ही प्रोडक्ट्स के चीज़ों में पीछे हो गए, हम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें ये जो रेमेडीज़ हैं ना हम थोड़े से भूल गए हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद जो है ना काफ़ी दिन बाद ये अप्लाई कर रही हूँ, तो बस ये मैं सारा अप्लाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा गाइस, मैंने सारा अप्लाई कर दिया है, अब आपने सिर्फ क्या करना है, अपने बालों को ऐसे टाइट बांध के जो है ना बिल्कुल कैचर लगा देना है, या फिर जूड़ा बना देना है। अगर हो सके, हो सके अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, फ्रिजी से हैं और सख्त सख्त से हो गए हैं ना, तो इसके ऊपर आप शॉवर कैप पहन ले। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप शॉपर पहन ले, इससे जो है ना वो मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपके बाल। मैं आपको करके दिखाती हूं। आई एम टेकिंग दिस क्लिप एंड लॉकिंग इट अप, और मैं अभी आपको एक टेक्निक। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी कोई शॉपर ले लेनी है, अगर शॉवर कैप नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, वरना शॉवर कैप तो बहुत ईजी थी, बस पहननी होती है। तो आपने शॉपर, तो आपने ये शॉपर लेनी है इस तरह से, इस तरह से पहन लेना है। और अगर आपके पास ड्रायर है तो आपने ड्रायर ऐसे ऊपर लगाना है, हीट जो है आपने जो है ना, जैसे स्किन के पोर्स ओपन करते हैं स्टीमिंग से, तो आपने बालों के रूट्स पोर्स ओपन करने हैं, ताकि ये सारा जो आपने लगाया है वो मल्टीप्लाई 10 इफेक्टिव हो। अगर आप ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो बस इसको मैं अप्लाई रहने दूंगी 40 to 50 minutes, या फिर जितने भी देर आपकी मर्ज़ी, कोई नुकसान नहीं है इसे लगाने का, और फिर मैं वॉश करूँ। अच्छा, शॉपर को ना इसे पीछे से आपने फोल्ड कर देना है, ताकि वो एडजस्ट हो जाए आपकी हेड में। चलें तो अभी पढ़ते हैं नमाज, और फिर जब तक ये मास्क लगा हुआ हो तो कुछ खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक को 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन व्लॉग में ना पता ही नहीं चलता, आपको ऐसा लगता है कि मैं बस खाती रहती हूँ एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश एंड अप, आप देख सकते हैं मेरे बालों की शाइन, या फिर आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा हो तो यू कैन सी हियर। हेयर फॉल अभी भी थोड़ा सा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अब टाइम टू टाइम देखते हैं कि इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है या नहीं होता। मैंने फिर से सल्फेट शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया, मुझे लग रहा है उसकी वजह से है, तो अभी मैं जब जाऊँगी तो सल्फेट फ्री शैम्पू लेके आऊँगी। तो अभी के लिए पढ़ते नमाज, फिर मिलते हैं। हेयर फॉल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाल जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और शाइनी शाइनी से हो गए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा था ना, एक लचक लचक सिल्की सिल्की सा फील हो रहा है। तो डू ट्राई दिस मास्क आउट, आपको भी इससे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, आई एम नॉट अ मूवी पर्सन, आई एम नॉट अ सीजन पर्सन, ना ही मैं ड्रामे देखती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मैं ये इतना वायरल हुआ है सीज़न, तो देख लूँ आखिर इसमें है क्या। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हीरा मंडी, जो आपने सुना होगा, इसकी इतनी ज़्यादा रील्स आई हैं ना, तो उसने मुझे मजबूर कर लिया इन सब रील्स ने कि मैं देखूँ आखिर ये रील्स किस चीज़ पर बन रही है। तो बस थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगी, और फिर ये मैंने ऑर्डर किया है, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा पास्ता, और ये सारा ऑर्डर जो है वो पिज़्ज़ा हाउस से है। जो हैदराबाद में रहते होंगे ना, उनको ये नाम फैमिलियर होगा, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है ये पास्ता ज़रूर ऑर्डर करें, इतना मज़े का है। एंड आपने कहना है तंदूरी पास्ता, क्योंकि वो उनके मेन्यू में ये नेम नहीं है, तो बस आपने वर्डली कहना है कि तंदूरी पास्ता। और ये लावा केक है, लावा केक भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा होममेड फील था, और इनकी जो ये चॉकलेट ब्रेड थी ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो नॉट रिकमेंडेड। और बस मैंने फिर वॉक किया, फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने फिर से सीज़न ऑन किया, और मुझे याद आया स्किन केयर भी करनी है। अच्छा ये देखें, ये है कोरियन स्किन केयर टेक्निक, जिससे जो है ना आप जो भी स्किन केयर करते हैं वो अच्छी तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, प्लस में आपका जो कोलेजन होता है वो भी एक्टिव हो जाता है, और बहुत मज़े की टेक्निक है। मैं भी अभी स्टार्ट किया है, और सुना है कि इट डज़ वंडर्स टू योर स्किन, और आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना, वो मल्टीप्लाई 10 काम करता है। तो बस यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग एंड होता है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।